अवसर पर पर्वतीय समाज के हमारे साथी जिसका नेतृत्व श्री घड़ियाल जी करते हैं, पिछले कम से कम 14-15 वर्षों से ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और हर वर्ष अच्छे ढंग से करते हैं। तो मैं सम्मान एवं पूजन जो हम पिछले 13 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा अभी बताएगा, 13 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है और हर वर्ष अच्छा इसका स्वरूप होता है। आज इन्होंने समाज के क्षेत्र के 3 साथियों को सम्मानित करने का काम किया, उनकी उपलब्धियों के ऊपर वास्तव में एक अच्छा कदम है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और वास्तव में उत्तराखंडवासी सारे लोग जिनकी संख्या 1.5 लाख के आसपास है बरेली जनपद में, अच्छे ढंग से कार्यक्रम करते हैं। मैं एक बार फिर से सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज के इस अवसर पर, वसंतोत्सव के अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज ये 13वां वसंतोत्सव मनाया गया है और बरेली में जो पहाड़ की संस्कृति है उसको लगातार जीवित रखा हुआ है, संस्कारों से जोड़ा हुआ है सारे पहाड़ी जितने भाई बहन हैं सभी लोगों को। तो मैं बधाई देता हूँ राजेंद्र प्रसाद घड़ियाल जी की सभी टीम को कि उन्होंने उत्तरांचल के संस्कारों को, उत्तरांचल की संस्कृति को बरेली में जिंदा रखा हुआ है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। रमेश गौतम, नवगीतकार और चित्रकार, लघु कथाकार के रूप आज में आपको सम्मानित किया गया है। जी, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि हमारे देश के विख्यात साहित्यकार डॉक्टर वीरेन डंगवाल स्मृति साहित्य सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। डंगवाल साहब से सम्मान के नाम से जो पुरस्कार है वो एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। डंगवाल साहब ने जीवन भर बड़े समर्पण भाव से जिस रचनात्मकता को साहित्यिक क्षेत्र में पैदा किया वो बहुत बड़ा है और मेरी जिम्मेदारी का दायरा बड़ा है कि मैं उनके बताए हुए पथ पर चल सकूं और साहित्य की सेवा कर सकूं। मैं राजेंद्र प्रसाद घड़ियाल, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा ये बरेली इकाई, विगत 12 वर्षों से वसंतोत्सव का आयोजन करती चली आ रही है। ये 13वें वर्ष में हमने पदार्पण किया है और विगत 12 वर्षों में उत्तराखंड महासभा ने बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में हमारा वसंतोत्सव आज सर्वप्रिय है, लोकप्रिय है और जनप्रिय है। आज हम पूरे बरेली के अंदर वसंतोत्सव को लेकर के हमारा कार्यक्रम की एक अपनी एक गरिमा बन चुकी है और हमारा एक अपना एक बहुत अच्छा इतिहास हमारे कार्यकर्ताओं के कारण से रहा है। आज उसी की पुनरावृत्ति हम सब लोगों ने यहाँ पर की है। माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष जी गंगवार, डॉक्टर उमेश गौतम जी और माननीय रोहित सिंह सजवाण जी, IPS SSP बरेली सहित यहाँ पर बहुत से गणमान्य हमारे आतिथ्य जिन्होंने ग्रहण किया वो यहाँ विराजमान रहे और उन्हीं के समक्ष हम सब लोगों ने आज उत्तराखंड गौरव सम्मान के रूप में माननीय अजय भट्ट जी जो हमारे GM HR हैं BL एग्रो में, उनको सम्मानित किया है। साथ ही हम लोगों ने आज डॉक्टर वीरेन डंगवाल साहित्य सम्मान, स्मृति सम्मान जो सप्तम है, 6ठा सम्मान है, यह हमने आज माननीय रमेश गौतम जी को यहाँ पर दिया है जो नवगीतकार हैं, हमारे देश के बहुत लब्ध प्रतिष्ठित कवि के साथ ही साहित्यकार हैं और इस पत्रकार हैं। और तीसरे सम्मान के रूप में हमने समाज सेवी भाई रमेश गंगवार जी, जो कि पूरे शहर के अंदर विख्यात है कि वो हर वर्ष 100 बच्चों की कन्याओं का विवाह करते हैं, उनको आज हमने सम्मानित किया है। 2 वृद्धजनों को सम्मान किया है और अभी हम प्रतिभाशाली जो बालक बालिकाएं हमारे उत्तराखंड के उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे अल्मोड़ा से, रानीखेत से कुछ सांस्कृतिक दल आए हैं, उनके कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी इस कार्यक्रम में होने जा रही हैं। ये सभी पूरा कॉम्पैक्ट, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हम सब लोग अपने उत्तराखंड प्रवासियों को समर्पित करते हैं और समर्पित करते हैं उन तमाम योद्धाओं को जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी हैं इस कोरोना काल में, अपना जीवन जिनका समाप्त हो गया, आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं।
अपने तमाम वीर जवानों को इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं, अपने तमाम उत्तराखंड के उन तमाम लोगों को समर्पित करते हैं जिन्होंने आज तक हमारे साथ रहते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में हमें गति दी है, सहयोग दिया है। मैं अपने तमाम उत्तराखंड प्रवासी भाइयों को हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि इस पूरे के पूरे कठिन दौर में भी वो लोग सब लोग आज भी इस कोरोना काल में हमारे साथ खड़े हैं और हमने इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। मैं सभी की को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, आप सभी की मंगल कामना करते हुए, आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि समाज हमारा एकजुट रहे, समाज हमारा एक रहे। आज भले ही हम उत्तराखंड प्रवासी यहाँ पर रह रहे हों, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई किसी प्रदेश से या किसी खास कारण से अपनी पहचान बनाए। हम सब भारतवासी हैं कुल मिला के और ये देश गौरवशाली बने, इसी के लिए हम सब लोग कृत संकल्प में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जय हिंद।